दोस्तों अगर आप एक लिथियम की ई रिक्शा लेना चाहते हैं मार्केट में दोस्तों एक और बढ़िया ई रिक्शा आ गई है जी हाँ दोस्तों ये है बी बी आर ई रिक्शा दोस्तों इस ई रिक्शा के जितने भी मॉडल आपको मिल रहे हैं उसमें लिथियम की बैटरी मिलने वाली है बेसिकली अगर आपको लेड एसिड में बैटरी अगर चाहिए तो वो स्पेशली आप कह कर के मंगा सकते हैं लेकिन ये देख सकते हैं एम एस वाला मॉडल है और इसमें आपको लिथियम की बैटरी मिल रही है दोस्तों इस ई रिक्शा में चाहे वो वाइंड सील्ड हो या फिर चाहे भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात हो या फ्रंट लुक की, की बात हो या साइड लुक की बात हो सब कुछ बढ़िया है और जो भी इसको देख रहा है भाई यात्री से भी इसको बेस्ट बता रहा है जी हाँ दोस्तों मार्केट में यात्री जैसे कि नंबर वन पर है ना लेकिन क्या होता है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी और दोस्तों के हमारे पास कमेंट भी बहुत सारे आते थे, थे लेकिन एक और ई रिक्शा है जो कि भाई बी के नाम से आ रही है और कलर देख रहे हैं ना आप ये बिल्कुल ऐसा कलर लग रहा है जैसे यात्री का एक ई रिक्शा था उसका भी सेम कलर था लेकिन 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 दोस्तों ये बिल्कुल अलग ई रिक्शा है इसका डिज़ाइन यात्री से बिल्कुल अलग रहने वाला है दोस्तों इसमें हर चीज़ कमाल की है साढ़े बारह की तो इसमें मोटर आ रही है यहाँ पर आप कमी देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर जो है एक वाइपर नहीं दिया गया लेकिन होल है तो यहाँ पर वाइपर आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर इसकी साइड प्रोफाइल में दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप साइड प्रोफाइल कितनी बेहतरीन लग रही है दोस्तों ये देखिए दोस्तों और आगे जो है फोक लाइट बिल्कुल नए जमाने वाली बिल्कुल न्यू लाइट इसमें मिलने वाली है तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लुक से ही बात कर लेते हैं तो फ्रंट में ये देखिए दोस्तों आपको एल लाइट्स मिलने वाली है फेंडर की बात करें तो ये देखिए दोस्तों चक्का इसका आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर एम के टायर्स मिल जाएंगे आपको और साथ ही साथ में ये देखिए एप्टस का यहां पर फेंडर मिल रहा है ये देखिए थोड़ा सा फेंडर मुझे हल्का सा लगा बट दोस्तों इसमें यहाँ पर हॉर्न मिलने वाला है जो कि एप्टस का है बीच में लाइट हेलोजन की मिलने वाली है और चारों तरफ रिंग लाइट इसमें देखने के लिए मिल जाएगी ऊपर बी आर की यहाँ पर ब्रांडिंग मिलने वाली है और बाकी वाइंड सीरीज का जो है ज़बरदस्त देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों एम में जो है लिथियम का होना मेन जो मेन हाईलाइट फीचर है वो ये है बी लाइट का यहाँ पर भी बेजिंग है यानी कि ब्रांडिंग है और ये देखिए कितनी लो हलाट जो गाड़ी है वो मिलने वाली है आपको यहाँ पर देखिए भाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये जो व्हीकल है वो आ रहा है इसलिए इसका शॉर्ट नेम है बी वी आर दोस्तों मेन इसकी है कि मजबूती ये डबल ये देखिए यहाँ पर डबल नाल में डबल नेक में आ रहा है जहाँ पर यात्री आपको सिंगल में देखने के दे लिए मिलता था तो ये चीज़ इसमें कमाल की है और साथ ही साथ इसमें सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं वो एप्टस के यूज किए गए हैं ये देखिए डिजिटल मीटर है यहाँ पर ये भी एप्टस का यूज़ किया गया है जो इसमें मोटर है कंट्रोलर है कन्वर्टर है छोटे से लगा करके बड़े पार्ट्स जितने भी हैं वो सब एक ही कंपनी के हैं एल स्विच भी आप देख सकते हैं ये भी सब एप्टस के ही यूज किए गए हैं अब दोस्तों एक ही कंपनी का यूज होने से ये फ़ायदा है कि अगर किसी भी छोटे मोटे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो वो दोबारा से सही हो जाएगी ये देखिए एप्टस की ही इसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम है ये देखिए मैं बंद कर देता हूँ एक बार ऑन करता हूँ ये देखिए तो यहाँ पर मीटर में आपको सब कुछ सो हो रहा है लेकिन द, जो है एक छोटी सी डिस्प्ले और दे दी गई है जो कि लिथियम बैटरी के जो वोल्ट है वो यहाँ पर दिखाती रहेगी दोस्तों कमाल का ई रिक्शा इसमें कलर ऑप्शन और भी मिल जाएंगे आपको आप रेड ग्रीन पैरट ग्रीन येलो वाइट जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं और ये देखिए मैं इसको हाथ से कितना प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये आगे से बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहा बहुत ही बढ़िया फ्रेम ये

वो बहुत ही ध्यान रखती हैं अपने ग्राहक का कि जो ग्राहक हैं वो परेशान नहीं होने चाहिए बट बी कंपनी जो है कई साल से है मार्केट में और बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फोग लाइट आगे आपको मिल जाएगी ये देखिए यहाँ पर एल लाइट्स मिलने वाली है तो काफ़ी कमाल की लाइट्स हैं और इनका जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत ही बढ़िया है ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है ना छत की अगर मैं बात करूं तो छत इसकी बहुत ही मजबूत छत है यहाँ पर कुछ भी सामान अपना छत के ऊपर रख सकते हैं रोक करियर दिया गया है अब दोस्तों मैं इसमें बैठ जाता हूँ देखता हूँ स्पेस कितना है तो ये देखिए लेग स्पेस कितना अच्छा इसमें मिल रहा है कोई भी ड्राइवर कितनी भी हाइट का हो आसानी से बैठ जाएगा और बाकी यहाँ पर अगर आप फ्रेम देखें तो अंदर की तरफ से भी बहुत ही अच्छा काम जो है कंपनी ने किया है ये ब्रेक है इसके ये देखिए और यहाँ से टर्न इंडिकेटर्स वगैरह हाई बीम लो बीम ये देखिए सामने आप ये देखिए ये हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है ये देखिए ये लाइट्स का ऑप्शन है यहाँ पर यहाँ से ही आप अपना लाइट्स को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं तो हेलोजन का बल्ब दिया जा रहा है और दोस्तों एक चार्ज में कितना चलेगा वह भी मैं आपको बता दूं क्योंकि लिथियम की बैटरी है इसमें 105 सौ पाँच ए एच की जो कि भाई टोन टैक की बैटरी है और ये चलने वाला है 100 किलोमीटर जी हाँ दोस्तों एक चार्ज में दोस्तों एक चार्ज में 100 किलोमीटर चलेगा और ये देखिए यह है इसकी छत इसका कलर बहुत ही बढ़िया है और अच्छी साइनिंग के साथ में आ रहा है बढ़िया क्वालिटी के साथ में आ रहा है दोस्तों मार्केट में काफ़ी सारी ई रिक्शा हैं जिनको भाई यात्री पसंद है वो यात्री ले सकते हैं और जिनको दोस्तों कोई और कंपनी पसंद है वो ले सकते हैं बट दोस्तों कहना क्या है कि एक बार ये जो कंपनी है इसको भी आप देखें ई रिक्शा को देखें चला करके देखें अगर आपको समझ में आता है तब ई रिक्शा आप परचेज़ करें दोस्तों इससे कट में दिखा दूं ये देखिए इसका प्रॉपर कट आप देख सकते हैं ये देखिए बढ़िया कट के साथ में ये आ रहा है तो बहुत ही अच्छी रिक्शा है सामने वाइंड सीट बढ़िया है जब मैंने इसका देखा तो यार मुझे इसका लुक बहुत इंप्रेसिव लगा ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ में आ रहा है ये देखिए एम में बहुत ही अच्छा लुक है मार्केट में वैसा और भी काफ़ी सारी रिक्शाएँ हैं जिनमें अलग अलग लेकिन इसका जो लुक है वो जो है बहुत ही बढ़िया लगा ये देखिए दोस्तों इसमें सीट भी वाइडर है स्पेस भी ज़्यादा मिलने वाली है और ये देखिए दोस्तों इसके जो जो हांडे हैं वो एम में बनाए गए हैं दोस्तों एक बात आपने और देखी होगी कि आजकल ई रिक्शा बंद हो रही है ये बहुत ही न्यूज़ आ रही है तो आज मैं ये भी बताता चलूँ क्लियर करता चलूँ कि ई रिक्शा बंद नहीं होगी बस जो रूट है ना रूट बन जाएंगे जी हाँ दोस्तों क्योंकि सब लोग क्या करते थे जैसे ई रिक्शा लिया और जो चौराहा ज़्यादा चलता था वहाँ जा के वो खड़े हो जाते थे तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ठीक है अब रूट बन जाएंगे तो आइए दोस्तों अब इसके जो है स्पेस चेक करा देता हूँ ये देखिए इसमें डबल स्पेस इस आ रहा है यह है साढ़े बारह सौ वोट का कन्वर्टर सॉरी कन कंट्रोलर और कन्वर्टर ये देखिए बिल्कुल अलग तरीके का कन्वर्टर इसमें लगाया गया है ये देखिए ठीक है ना वायरिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर बहुत ही बढ़िया वायरिंग मिल रही है डबल स्पीकर इसमें आ रहा है तो ये चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं और डबल स्पेस के साथ में आ रहा है इसमें देखिए दोस्तों फॉल्ट भी फॉल्ट के लिए छः लाइट दी गई हैं अगर इसमें कोई सी भी लाइट जलती है तो फॉल्ट लिखा जाएगा अभी जैसे ये एक लाइट देख सकते हैं ये ब्रेक फॉल्ट के लिए आ रही है तो जब ये आपको ई रिक्शा डिलीवर की जाएगी तब इसमें ब्रेकिंग सिस्टम सब चीज़ें चेक करके आपको दी जाएगी और किस तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है वो भी आपको भी चेक कर लेना है दोस्तों जी हाँ दोस्तों डीलर के ऊपर भी नहीं बैठना है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए रेड कलर के लिए है तो किस तरीके का फॉल्ट होगा ये सब कुछ इसमें लिख जाएगा मोटर फॉल्ट है कंट्रोलर फॉल्ट है कन्वर्टर फॉल्ट है वो सब लाइट इसमें ब्लिंक हो जाती है तो इससे आप भी खुद भी आसानी से समझ सकते हैं कि ई रिक्शा में प्रॉब्लम आखिरकार कहाँ आ रही है तो ये बहुत ही लेटेस्ट ई रिक्शा है और बिल्कुल डिजिटाइजेशन के साथ में ई रिक्शा जो है आया है तो बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं इसमें बाकी वाइपर इसमें लगा करके आपको दिया जाएगा आई कैट अप्रूव्ड ई रिक्शा है जी हाँ दोस्तों तो जो आई कैट अप्रूव्ड होती है वो कहीं पर भी उसको लेकर के आप चला सकते हैं दोस्तों तो ये है और काफ़ी लेंथ वगैरह देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है ये देखिए बी लाइट लिखा गया है ऊपर रूप कैरियर कितना कमाल का है तो बहुत ही खास ई रिक्शा जो है रहने वाला है और साइड प्रोफाइल अगर मैं इसकी दिखाऊं तो बहुत ही कमाल की है ये देखिए दोस्तों जाली नुमा इसमें डिज़ाइन दिया गया है पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया कितना बेहतरीन तरीके से जो डिज़ाइन है वो इसमें मिल रहा है ये देखिए ठीक है ना तो बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट कंपनी ने लिया है और पीछे जो लाइट है वो डबल लाइट मिलेगी इसमें ट्रिपल लाइट भी नहीं है तो बैटरी का जो कंजप्शन है वह आपका कम रहेगा तो बैटरी इसमें ज़्यादा चलेगी जितनी लाइट आप इसमें बढ़ाते चले जाओगे उतनी बैटरी आपकी कम चलेगी तो ये है भाई बी वी आर ई रिक्शा पीछे भी इसमें देख सकते हैं बैजिंग मिल रही है पीछे का लुक और डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप का है स्टपनी कवर के ऊपर भी बी वी आर लिखा लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं ये कवर है वाइट ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें लगाया है बाकी इसमें जो है ये ग्रे कलर में आ रहा है इसमें कलर ऑप्शन आप कोई सा भी और जो भी कलर आपको पसंद है वो ले सकते हैं बस आपको कहना होता है इसको चलाएंगे ना एक बार तो तब इसका स्मूदनेस आपको नज़र आएगा चारों तरफ तरफ कर्टेंस मिल जाएंगे कर्टेंस ये देखिए कमाल के कर्टेंस हैं यहाँ से इसको खोल सकते हैं आप ठीक है इसमें पैसेंजर हैंडल भी मिल रहे हैं यानी कि आपको ये पैसेंजर हैंडल तो मिलेंगे ही साथ ही साथ में इसमें इंडबिल्ट भी पैसेंजर हैंडल आ रहे हैं वह भी मैं आपको दिखा दूंगा ये देखिए कितनी वाइडर सीट है देखिए एक और ये दो जो नापने का तरीका है मेरा ठीक है तो वाइडर सीट है बहुत ही बढ़िया है और पैसेंजर इसमें आसानी से बैठ जाएंगे बैटरी मैं दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों ये है भाई ट्रोन टैक की बैटरी फ्रेम देखिए कितना बढ़िया फ्रेम इसका नज़र आ रहा है ट्रोन टैक की बैटरी है और यहाँ पर वोल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं तीन साल की वारंटी के साथ में आ रहा है एक साल की मोटर की वारंटी है एक साल इसमें कंट्रोलर की वारंटी है और थोड़ा बहुत अगर आप प्राइज़ इसमें दे देंगे फालतू तो आप वारंटी को इनक्रीज़ भी करा सकते हैं ये किसी और कंपनी में ऑप्शन नहीं है केवल इसी के साथ में ऑप्शन आ रहा है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सर्विस के मामले में बढ़िया सर्विस वगैरह सब कुछ ये खुद अपना आप करा के देंगे वो जिम्मेदारी केवल जो डीलर हैं उनकी है उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है तो सामने आप देख सकते हैं तो जैसे कि एप्टस में कंपनी बता रहा था कि तो एप्टस कंपनी का अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका जो मटेरियल है पार्ट्स हैं वो जल्दी मिल जाते हैं आप लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते ही होंगे कि कीज़ वगैरह जो है एप्टस की आती हैं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है पुरानी कंपनी है एप्टस की तो ये कुछ ई रिक्शा है और दोस्तों इसकी प्राइस की भी बात कर लेते हैं इसका जो प्राइस स्टार्ट है वो एक लाख सत्तर हज़ार से स्टार्ट है जी हाँ दोस्तों लिथियम बैटरी में है एम एस में ये मॉडल है और वारंटी तीन साल की बैटरी की है एक साल की मोटर एक साल की ओवरऑल जो है वो एक साल की आप वारंटी इसमें आपको मिल जाएगी देखने के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया जो है ई रिक्शा इसमें आया हुआ है और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ई रिक्शा जो है बंद नहीं होने वाली है फिर से मैं बता दूं केवल रूट जो है वो बन जाएंगे आपके जब कभी भी आप जैसे मार्केट में चलाना है सिटी के अंदर चलाना है तो उसमें रूट बन जाएंगे गांव कस्बे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का म्यूजिक है यहाँ पर स्पीकर है और दूसरा जो है इसके साइड में स्पीकर दिया जा रहा है एक बार दिखा देता हूँ ये देखिए यहाँ पर ही हैंड ब्रेक दिया जा रहा है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फायर एक्सट्रीब्यूशन लगा सकते हैं ये देखिए कितनी बढ़िया सीट है आगे की और आगे की सीट का स्पेस दिखा दूँ तो बिल्कुल खाली रहेगा सीट की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है ये देखिए बैठेगी नहीं सीट जल्दी से और मैट में दिखा दूँ ये देखिए ये चेकर प्लेट आप देख सकते हैं और दोस्तों इसका ना एक वेरियंट और है एस एस में वो बहुत ही कमाल का है अगली वीडियो में मैं वही दिखाऊँगा आपको तो ये देखिए इसके अंदर ये देखिए फ्रेम आप देख सकते हैं ना फ्रेमिंग देखिए कितने सारे पाइप लगे गए हैं ऐसे जो है किसी भी इ रिक्शा में इतने सारी फ्रेमिंग करके कोई नहीं देता ठीक है वो जो है इस ई रिक्शा में देखने के लिए मिलेगा मैं दिखाऊंगा पीछे जा करके इसका झूला वगैरह दिखाऊंगा इसकी मोटर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा ऊपर की स्पेस भी दिखा देता हूँ इसकी मैं एक बार तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं एक बार ये बंद था ये देखिए आराम आसानी से खुल जाएगा इसका फ्रेम देखिए कितना बढ़िया फ्रेम है सीट वगैरह के अंदर भी फ्रेम देख सकते हैं ये देखिए तो इसमें स्पेस इस क्या मिल रहा है देखिए इसमें कुछ भी सामान अपना रख सकते हैं वैसे तो फायर एक्सट्रीब्यूशन मिल रहा है और यहाँ पर ये टूल किट वगैरह इसमें मिल जाएगी आपको देखने के लिए मैं एक बार निकाल के दिखा दूँ ये देखिए ये यहाँ पर प्लास वगैरह भी मिल रहा है कमाल की ई रिक्शा ये रहने वाली है तो झूला वगैरह भी इसका जानदार और शानदार रहेगा ये देखिए इसका फ्रेम आप देख सकते हैं प्रॉपर फ्रेमिंग मैं इसकी दिखानेता चलूँ ये देखिए ये देखिए कलर भी देखिए इसका कितना बढ़िया है नीचे से देखिए अब पीछे भी अगर मैं जाऊँगा तो पीछे भी एक बार जा कर के दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों अब चलते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए एप्टस का ही डिफरेंशियल है शोकर कमानी पट्टे ये देख सकते हैं आप कमानी इसमें आई थिंक छः छः की है एक दो एक दो तीन चार पाँच छः आई थिंक छः की मुझे लग रही है आप भी एक बार गिन करके मुझे बताना दोस्तों ठीक है तो इसके साथ में एम आर एफ के टायर्स आप दूर से ही देख जाएंगे तीन पचहत्तर बारह के टायर्स हैं फ्रेमिंग फिर से देख लीजिए फ्रेम देख लीजिए एक बार दोस्तों क्योंकि फ्रेम का देखना भी बहुत ज़रूरी है और जब भी रिक्शा परचेस करें चलाएँ चला करके देखें ठीक है वो क्योंकि इतना तो मिल ही जाता है राइडिंग के लिए और इस पर अगर झूलेंगे भी ना इसके जो बम्पर है तो बहुत ही कमाल का है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्वालिटी वाइज तो ये है बाकी दोस्तों ये है इसके व्हील कैप जो कि आप देख सकते हैं तो प्रॉपर ई रिक्शा के बारे में ये थे हमारे पास डिटेल्स जो हमने आपको बता दी तो दोस्तों अगर आपको ये ई रिक्शा पसंद आ रहा हो तो ये नंबर है ठीक है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है कांटेक्ट कर लीजिए और जो लोग भाई आसपास क्षेत्र से हैं आ जैसे कि गाजियाबाद से हैं मेरठ से हैं वो तो उनको आसानी से ही रिक्शा मिल जाएगी और जो अदर स्टेट से हैं दूर से हैं उनको नहीं मिल पाएगी तो वो अपने नियर बाई डीलर से सर्च कर सकते हैं नियर बाई डीलर से कह करके के रिक्शा मंगवा सकते हैं अगर ये डीलर बी का उनके पास है तो ये एफ का ऑप्शन है ये हॉर्न है और बढ़िया क्वालिटी बढ़िया आवाज़ ज़बरदस्त तो बहुत ही बढ़िया ई रिक्शा आपको मिल रहा है दोस्तों एम एस में कोई भी लिथियम बैटरी नहीं देता लेकिन यहाँ पर लिथियम बैटरी आपको दी जा रही है तो वायरिंग का आपको कोई इशू नहीं है सामने ये देखिए कितनी बढ़िया चीज़ें इसमें मिल रही है ये देखिए अब दोस्तों इसमें एक और ख़ास चीज़ है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं आप अपना चार्ज इसको चार्जिंग सॉकेट पीछे की तरफ है जहाँ बैटरी लगी गई है और ये देखिए यहाँ पर केवल लाइट है पैसेंजर के लिए अपना रात्रि में जा रहे हैं तो पैसेंजर अपना पैसे वैसे आराम से देख सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर इसमें जो है ना ऊपर की तरफ ये देखिए हैंडल कितने बढ़िया इनबिल्ट है, इन है मतलब इसमें तो मेट्रो हैंडल तो है ही साथ में ये इनबिल्ट भी है और छत काफ़ी मजबूत है और आगे का जो है ना जहाँ पर ड्राइवर बैठेगा तो वहाँ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई पीछे कोई मिसहैपनिंग जो है जो जो ड्राइवर है उसके साथ ना हो तो प्रॉपर डिज़ाइन को इस तरीके से रखा गया है कि बिल्कुल शेफ रहे तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया छत के साथ में आ रहा है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ में है ना तो बाकी मैं तो बहुत बढ़िया कह ही रहा हूँ लेकिन दोस्तों जब आप इसको देखेंगे चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आखिरकार ये जो ई रिक्शा है वो कैसा है और क्यों मैं इतना इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ